खाने की, पीने की, पहनने की, ओढ़ने की, मान की, सम्मान की कामनाएं अनंत हैं। तब तक उसको ब्राह्मी स्थिति नहीं मिलती। ब्राह्मी स्थिति माने भगवान से मिल जाना। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है अर्जुन से, 71वें श्लोक में, विहाय कामान यह सर्वान पुमांशरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगच्छति। या आखिर में कहा है दूसरे अध्याय के, अर्जुन कोई ठग विद्याई से हम लोग भगवान को नहीं पा सकते, ढोंग पाखंड नहीं चलता वहां। इस दुनिया में तो हम लोग ढोंग करते हैं, हमने कामना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, बस कहते ही कहते हैं। जब कामना सच में छूट जाएगी तब ब्राह्मी स्थिति आ जाएगी। उसके पहले ढोंग ढांग करने से कुछ नहीं होता है। सूरदास जी के एक पद है, जो लो मन कामना न छूटे, तब तक सारे काम बेकार हैं। कहा जटा जूटे, जटा जूट बढ़ा लिया, वेश बना लिया, तीर्थ में नहा लिया, कहा पुराण पढ़े जो 18, 18 पुराण पढ़ लिया, कथा बाँच लिया, ये सब कुछ नहीं। सूरदास तब ही तमनास है, बकबक करने से हृदय का अंधकार नहीं जाएगा। एक कामना अंधकार है। हम लोग भाषण करते हैं, बकबक बकबक करते हैं, उससे कुछ नहीं होता। सूरदास तब ही तमनास है, ज्ञान अग्नि झर फूटे। जैसे झरना फूटता है पानी का, बिना कहे जब कामनाएं अंधकार नष्ट हो जाएगा तो ज्ञान अग्नि झर फूटे, ज्ञान का झरना फूटेगा हृदय में, निकलेगा और अनंत काल के लिए हम आनंद में डूब जाएंगे। तो भगवान ने कहा, विहाय कामान यह सर्वान पुमांशरति निस्पृह। जब कामनाएं चली जाएंगी, निस्पृह निरहंकार हो जाता है, स शांतिम, उसको अनंत शांति मिलती है। बोले अर्जुन, इसी को ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, इसको पाने के बाद फिर कभी मोह कभी होगा ही नहीं। मोह नहीं नाम प्राप्य विमुह्यति, कभी मोह नहीं होगा। स्थित्वा स्याम अंत काले भी ब्रह्म निर्माणम रिच्छति। और मरने के पहले ऐसा मन बन गया तो ब्रह्म निर्वाण भगवान की प्राप्ति हो गई, समझो हो गई। इसलिए
रोज थोड़ा सा हम कह देते हैं, हम लोग ठोस बने, खोखले नहीं। छोटी छोटी कामनाओं को मिटा दो, तुम बहुत दिव्य रास्ते पर चल रही हो। हमने सुना है कि तुम लोग बहुत ज्यादा सेवा भी करती हो। किसी ने हमसे कहा कि छोटी बच्चियां बड़ी सेवा कर रही हैं। जो सेवा करने वाला है वो संसार में उसके पाप सबसे जल्दी जल जाते हैं, सबसे जल्दी जलेंगे। तपस्या उपस्या से नहीं, लाखों वर्ष तपस्या करने से भी पाप नहीं जलता है। न तथा यज्ञवान राजन पूयेत तप आदि भी यथा कृष्णार्पित प्राणस्तत्पुरुष निसेव्या। बोले बहुत से उपाय हैं, तपसा, ब्रह्मचर्येण, शमेन, दमेन च, त्यागेन, सत्य शौचाभ्याम, यमेन, नियमेन, ये सब तपस्या वस्या कुछ नहीं। जैसा भक्तों की सेवा से शुद्धि होती है, न तपस्या से, न ब्रह्मचर्य से, न यम से, न नियम से, न सत्य से, न शौच से, न तथा यज्ञवान राजन पुएत तपादि भी यथा कृष्णार्पित प्राणस तत्पुरुष निषेव्या। तो हमने इसलिए कहा कि तुम लोगों को जीवन में सेवा आ गया है, निश्चय तुम्हारे पाप सब नष्ट हो गए। जय श्री राधे।